ऐसा कहते हैं टॉकिंग टू अ वाइज मैन इज इक्विवेलेंट टू रीडिंग हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, लेकिन मैं यहाँ पे अगर आपको एक बम्पर ऑफर दूं जहां पे एक नहीं दो नहीं तीन तीन वाइज पर्सन अवेलेबल हो तो कैसा रहेगा? तो हमारे जो आज के पहले जो पार्टिसिपेंट हैं, जो पैनल डिस्कशन के लिए हम जिनको बुलाना चाहते हैं, ये डेलीगेशन के बादशाह हैं और अपने आप को कंटिन्यूस अपग्रेड रखते हैं, अपडेटेड रखते हैं और मतलब अपने आप को हमेशा चैलेंज करते रहते हैं मैं कुछ नया कैसे करूं। तो हमारे 39 बैच के पार्टिसिपेंट और स्टैम्प आईटी रोबोटिक के ओनर मिस्टर कौशिक काले जी। कौशिक काले आइए सर। ओके, हमारे आज के जो दूसरे इक्के हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ये इंसान ग्रेजुएट हैं और फोटोग्राफी रीडिंग म्यूजिक वगैरह इनका पैशन है, राइट? तो ऐसे हमारे 42nd बैच के पार्टिसिपेंट और मिस्टर दीवान टायर्स के डायरेक्टर संकेत दीवान जी, प्लीज सर। ओके, थर्ड पार्टिसिपेंट जो है ये अपने आप में एक पावर हाउस है, ऑलवेज स्माइलिंग बट टफ, राइट? ऑलवेज एकोमोडेटिव लेकिन फिर भी एकदम हमेशा लोगों को अपने टोस पे रखने वाली, स्मार्ट जिनकी वजह से चलता है उनको भी ये ड्राइव करती है। तो प्लीज वेलकम अवर को फाउंडर सिंधु संतोष नायर। ओके, अब उनको बुलाते हैं जो ये पूरे एक्ट के सूत्रधार हैं, कर्ता हर्ता हैं, कैटलिस्ट हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि परफेक्शन का दूसरा पर्याय है। काफी बार तो परफेक्शन वर्ड को भी लगता है कि मैं इनका पर्याय हूं क्या। ये हमेशा इनकी जो स्पेशलिटी है आई फॉर डिटेल, और हमेशा शुगर कोटेड कैप्सूल्स को वो पिलाने में इन्हें महारत हासिल किया है। ये इतने वेल ग्रूम्ड रहते हैं, आप रात को मिडनाइट भी मिलोगे तो हमेशा सूट बूट में ऐसे तैयार रहेंगे। तो हमारे स्मार्ट के अर्नब गोस्वामी जी को बुलाते हैं, हमारे लीड ट्रेनर टाइगर नयन कोटियन जी। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। डायनेमिक्स ऑफ फ्यूचर बिजनेस, इनफैक्ट आज इससे पहले जो स्पीकर्स आए हैं डॉक्टर नौरीन, काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई और जो मुझे हिट कर गई कि इनका जो अभी गिनीज बुक में जो अभी रिकॉर्ड बनाने वाले हैं बड़ा इम्पैक्टफुल है, एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट कि हो जाए। फिर चितन भाई आए, बोलते हैं कि उनके पापा के बिजनेस से भी दोबारा मतलब डबल टर्नओवर करने में ये सक्सेसफुल हुए, दैट वॉज ऑल्सो सो इम्प्रेसिव। फिर आए हमारे गागर में सागर सत्यवान जी, उनका तो पूरा स्क्रीन भर गया। एंड कनेक्टिंग बिजनेसेस कैसे करें इन्होंने बताया, अच्छा था, बहुत बढ़िया था। ओके, बस लास्ट वीक ना मैं अपने जो घर के बाहर जो शॉपिंग मॉल है, छोटा सा सुपरमार्केट है, उसमें गया था एंड कुछ खरीद के पैसे दे रहा था। तो नॉर्मली आप कोई भी दुकान में जाएंगे तो वहाँ पे एक पॉइंट ऑफ सेल मशीन होता है, स्वाइप कार्ड करते हैं उसमें से आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है। वहाँ पर दो मशीन्स थी, तो एक तो नॉर्मल वाला था छोटा वाला, एक बड़ा वाला था, बहुत बड़ा साइज का था, और उसमें राइट साइड में ना जियो का स्टिकर था। तो अभी मैंने बोला चलो ट्रेनर हो इंटरव्यू इधर ही स्टार्ट कर देते हैं, तो जो लड़का था उसको मैंने बोला ये क्या है, बोलता है कार्ड स्वाइप करने का मशीन है। बोला नहीं फिर ये अलग दिखता है मुझे, बोलता नहीं ये कार्ड का मशीन है। तो मैं बोला नहीं ये और ये अलग है, तो उसका फ्यूज उड़ गया। तो मैंने उसका सेठ को बोला ये क्या है, तो बोलता है ये कार्ड स्वाइप करने का मशीन है। तो बोला ये बड़ा क्यों है और ये अलग क्यों है, देन ही टोल्ड मी सर रिलायंस ने दिया है। तो मैंने बोला क्यों दिया है, इसमें क्या और होता है, तो ही सेड कि इसमें हम सामान मंगा सकते हैं। तो ऐसे उसका मतलब क्या है, तो थोड़ा चिढ़ गया, बोलते साहब देखो मेरे स्टोर में जितना भी माल हम भरते हैं ना, तो हम लोग नॉर्मली APMC से मंगाते हैं या कोई बड़े कोऑपरेटिव से मंगाते हैं, अभी रिलायंस हमको हमारा जो भी अपना स्टॉक्स है ना उसको होलसेल से भी कम दर में देगी, और ऐसा पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स रिलायंस ने सारे रिटेलर्स को दे रखा है। क्या समझ में आपको? डिसरप्शन,
डिसरप्शन, डिसरप्शन का बाप. एंड मैं गुरुकुल जो कोर्सेज चलाता हूँ उसमें 6 महीने पहले मैंने अपने जो स्टूडेंट्स को बताया था, बिकॉज न्यूज़ निकली थी कि एक दिन मुकेश भाई अंबानी को मूड किया कि चलो अभी नेक्स्ट बिग डिसरप्शन में क्या करूँ, तो जेफ बेजोस अमेज़न को उड़ा देने का. तो ही डिसाइडेड कि इन इंडिया आई विल पेनिट्रेट इन टू 95% ऑफ द पॉपुलेशन, 95. तभी उनका बिग नेक्स्ट गोल क्या है, इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन होगी उसका जो 95% लोगों को ये जो यूटिलिटीज है इनके कियोस्क, जियो कियोस्क और इनके मशीनों से देंगी. मतलब मेरा बाप का सपना कर लो, करेक्ट. ये एक हुआ, मैं भी कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर रहा हूं, ठीक है. आई डोंट हैव टू टेल यू अबाउट बायजू, मैं बोलने की जरूरत नहीं, बिकॉज पिछले 8-1 साल में एक $5.4 billion की इवेल्यूएटेड कंपनी बनना, आई थिंक वो अपने आप में एक मैजिक है, राइट. और अभी कल का रिपोर्ट ये बताता है कि गवर्नमेंट इज विलिंग टू ऑक्शन द लेटेस्ट 5G स्पेक्ट्रम फॉर मोर देन 6 lakh crores. तो अभी इंडिया में अगर 5G आ गई तो क्या होगा ना, मैसेकर होगा, इतना स्पीड चलेगा. एंड हम सब बिजनेसमैन हैं. तो अब मैं इसको यहां पे जोड़ता हूं हमारे पैनल से, जो हमारे पास पैनल में है आज, कि ये जो इन्फ्लक्स ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ है, ये जो साइक्लोन, ये जो भूचाल, ये जो बड़ा एक हवा चला हुआ है, इसको आप अपने अपने बिजनेस में कैसे देखते हैं, और उससे बचने के लिए या उसके साथ चलने के लिए, उससे ना टाइड अराउंड करने के लिए आपने अपने कंपनी में क्या क्या किया. तो मैं पहले शुरुआत करूंगा अपने संकेत भाई से, और ये जो अपना पैनल जब समाप्त होगा आपको भी मौका दिया जाएगा कि आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं. तो वाइल हम लोग ये जो बातें कर रहे हैं, कोई अगर आपके मन में सवाल हो तो आप प्लीज ऑन डाउन कर सकते हैं. तो एंड में मैं आपके एक या दो सवाल पूछूंगा. तो संकेत भाई, हाउ डू यू सी दिस इन्फ्लक्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउ एट दीवान यू आर ट्राइंग टू ग्रैपल विद इट? वी आर इनटू रिटेल ऑफ टायर्स एंड बैटरीज. हमारा मेन फोकस ये रहता है कि कस्टमर को इमीडिएट प्रोडक्ट कैसे दें. आवर्स इज अ हाई वॉल्यूम बट लो मार्जिन प्रोडक्ट, तो उनको कैसे पहुँचाए और अपनी टीम को वो प्रोडक्ट्स कैसे मिल पाए, उनको इन्फॉर्मेशन कैसे मिले कि वो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है या हमारे दूसरे ब्रांच में अवेलेबल है. तो वी हैव इंस्टॉल्ड ERP इन आवर सिस्टम, वी आर यूजिंग इट फॉर द लास्ट 3 years. तो उसमें समझो आज नहीं तो कल वो कस्टमर को वो प्रोडक्ट मिल जाएगा. दैट इज़ द एश्योरिटी दैट वी हैव बिल्ट इन आवर सिस्टम. और हमारे सिस्टम से पीपल, आवर ओन टीम कैन जनरेट देयर ऑर्डर्स कि ये मेरा रिक्वायरमेंट है, आई वॉन्ट इट टुमारो इटसेल्फ. तो जितनी जल्दी हो सके उतना वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके, उसके लिए हम उन्होंने एक ERP सेटअप किया हुआ है. लेकिन अगर देखा जाए तो सी दे आर अ डिस्ट्रीब्यूटर प्लस दे आर अ रिटेलर इन टर्म्स ऑफ ऑटो पार्ट्स, मेनली बैटरीज एंड टायर्स. आपके पास तो लोग टायर चेंज कराने के लिए आते हैं, है ना, बैटरी चेक कराने के लिए आते हैं या रिपेयर कराने के लिए आते हैं. आपसे टेक्नोलॉजी का क्या लेना देना है? आपने क्या ऐसा कुछ किया है जिससे आपके कंपनी के अंदर एफिशिएंसी बढ़े और टेक्नोलॉजी का वापर हो? वी हैव स्टार्टेड अ प्रोसेस ऑफ इंटरनल प्रोसेस एनहांसमेंट की अपनी जो भी साइकिल है टू सॉल्व अ पर्टिकुलर कस्टमर, उसको कैसे फास्ट किया जाए एंड हाउ टू ट्रैक ईच एम्प्लॉयज का एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस. सो वी आर गोइंग इनटू डिजिटल जॉब कार्ड प्रोसेस वेर इन राइट फ्रॉम ई कैटलॉग से लेके एक प्रोसेस कैसे एंड हो और कितना टाइम लगता है ईच पर्टिकुलर टास्क को सॉल्व करने के लिए, वो कम्प्लीटली ट्रैक होगा. दिस इज द जॉब कार्ड दैट यू कैन सी. फर्स्ट वील बी आस्किंग आइदर द नंबर और द व्हीकल नंबर विच इज इम्पॉर्टेंट इन आवर फील्ड. Here the mobile number is inputted by the sales staff. So if there is a customer, existing customer is there, he'll automatically be popped up the whole details. And then he'll be asked what exactly is his requirement, whether he wants tires or batteries or puncture repair or whatever. So he'll be, once if suppose he says, yeah, I want to get a tire change done, so he'll be suggested list of sizes that this particular vehicle will be fitted with. Now why this digital job card? We currently have a manual job card. But our industry is an unorganized sector where 80% people are uneducated but highly skilled. They cannot read and write, but they can see the things and can decide ki this is particular, what is the customer's requirement. So we want to enable them with the help of technology to move ahead and not rely on only educated staff to bring them up or do their unskilled job. This is where this job card will help them connect with the customer. So here they don't have to type much, they just have to touch. Every uneducated employee or a person knows how to touch a screen and all.
So this is how it is a summary. Whatever the customer has, here we have shown different colors. Each color denotes what stock we have. The customer is also looking at the screen. So it shouldn't feel like he, since he does not have stock of this particular item, so he's pushing for this particular item. So this is how we'll be doing the whole sales promotion or sales marketing. Then later on, the final, this will be added to the quotation once the customer selects, I want this particular item. All the particular items gets got into the single quotation. And then later on, the next screen you can see. Can you change the screen? Yeah. Here, this is a summary of a job card that he sees that this is what the customer has finalized. And this is what he has to pay. And whether he'll be paying by cash or card. And then the stop card starts. So the stop card, once it starts, it is like first you have to get the tire fitment done. So what is the time taken to fit this particular tire? Then next job is what the wheel balancing time is taken. Next is wheel alignment, and then there is the nitrogen card is an additional accessories that we provide to our customers. So this is how we'll be tracking our whole sales as well as end job that is to be done at our each retail outlets. This is how we'll be enabling our employees to move forward and do the performance appraisal result. बहुत बढ़िया, wonderful. In fact, आप देखेंगे retail में या फिर distributor network में ये represent कर रहे हैं. और एक job card जहाँ पे लोग लिखना नहीं चाहते या फिर गंदा होता है, वो कैसे वो mobile phone application में सब लोग ना सशक्त है, उसको उन्होंने इसमें convert कर दिया. तो I think अभी application भी अच्छा है और tracking भी अच्छा होता है. Wonderful, very good. Use of technology and innovation. Thank you. अब हम चलते हैं. Plus there is no need to now go for an educated employee जिसको ये सब लिखने को आता है, because that is the biggest thing. And then उसको वो educated employee रहेगा तो उसको इस तरह का काम में लंबा time तक रखना भी मुश्किल हो जाएगा. If he is uneducated, he will be with us. And with technology, you know, so you're doing a great job, I would say. That is the challenge that we have. We have 20% employees doing the 80% important work. To solve the customer. Here an uneducated employee can solve the customer. Absolutely. Because he has the power of everything. Wonderful. That's great. So now let's come to the manufacturing sector. Jo Kaushik bhai hai hamare, wo stamp it. Normally hum log paper pe likhte hain, ye log metal pe likhte hain. So let us ask him ki ye jo advent of technology aur ye innovation jo hum log baat kar rahe hain, how are you seeing it and aapne apne company mein iske upar kya kiya? Dekhe, first and foremost, we believe in taking the technology along with us. So we are a technology company. Humne innovative ek product leke aaye jahan par sabhi logon ka, you know, product jo tha uske andar, they had the touch screens on keyboards directly on the top of machines. Hum logon ne us cheez ko nikal diya. Humne we tried to use whatever the latest technology is. So we now have a Wi-Fi based machine, and wo machine sara chalta hai ek mobile phone se, which has kind of revolutionized the way the marking used to take place. So we now have a complete range of Wi-Fi markers ki jisko, you know, that itself is seen as one of the latest technology innovation in the field of marking. So we have been taking technology along with us as a part of our product. So that is one of the aspects where we have been using technology. द अनदर आस्पेक्ट जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इज़ गिविंग सर्विस एंड सपोर्ट. तो एक ज़माना था जब सर्विस एंड सपोर्ट ये सिर्फ टेलीफोन पे या ईमेल पे या फिजिकली बंदा जाएगा वहाँ पर और कस्टमर को सर्विस देगा, इस आस्पेक्ट पे ज़्यादा होता था. सो देर यूज़ टू बी अ लॉट ऑफ, यू नो, हमारे पास भी एक ज़माना था जब, यू नो, वी हैड अराउंड 10 सर्विस गाइज लुकिंग इन टू द मार्केट. वी ट्राई टू यूज़ द टेक्नोलॉजी. नाउ आज हमारा मैक्सिमम सर्विस और सपोर्ट जो है वो वी चैट और व्हाट्सएप पे होता है. सो मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स टुडे आर यू नो आर अवेयर ऑफ व्हाट्सएप. नाउ दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट जस्ट इन इंडिया, बट इट इज़ वी आर यूजिंग दिस एस्पेक्ट ग्लोबली. आज हमारे कस्टमर्स हैं स्पेन में, हमारे कस्टमर्स हैं US में, जर्मनी में, इटली में, जहाँ पर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं. तो इन सभी लोगों को सर्विस और सपोर्ट देना एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था एक ज़माने में. सो द आइडियाज़ दैट वी हैड फ्रॉम सम ऑफ आवर पैरेलल कंपनीज वेयर क्वाइट डिफरेंट, लेकिन वी आर नाउ यूजिंग द व्हाट्सएप एंड वी चैट एक्सटेंसिवली. एडवांटेज ये हो जाता है किसी को जो प्रॉब्लम आता है वो सिंपल एक व्हाट्सएप पे वीडियो लेके भेज देता है, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द लैंग्वेज, हमें उनका लैंग्वेज आता हो, उनको हमारा लैंग्वेज आता हो, ये सारे बैरियर्स निकल गए.
बिकॉज ऑफ वीडियो उसका प्रॉब्लम क्या है वो इमीडिएटली समझ में आता है. हमारे बंदे या तो हमारे पास बहुत सारी वीडियोस की लाइब्रेरी है आजकल, तो उसके फोन में होता है अरे ये प्रॉब्लम है, तो उसका कौन सा वीडियो है उसको सिलेक्ट करता है, उस वीडियो को डायरेक्टली भेज देता है. सो दैट हैज काइंड ऑफ रिवोल्यूशनाइज, एंड उसकी वजह से क्या है, पीपल आर वेरी हैप्पी विद द स्पीड एट विच दे आर गेटिंग सॉल्यूशंस इन स्पाइट ऑफ द डिस्टेंसेस. सो वी हैव बीन ट्राइंग टू यूज दिस टेक्नोलॉजी टू आवर एडवांटेज, जिसकी वजह से आज ये हुआ है कि वी हैव कम डाउन फ्रॉम 10 एम्प्लॉयज इन सर्विस टू 3 एम्प्लॉयज, बिकॉज उतनी जरूरत ही नहीं पड़ती उन लोगों को जाना मार्केट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वी हैव कम डाउन टू 3 एम्प्लॉयज, और यू नो वी आर डूइंग वेरी गुड इन दैट. द थर्ड आस्पेक्ट वेयर वी आर ट्राइंग टू यूज द टेक्नोलॉजी, थोड़ा थोड़ा सक्सेस मिला है, इज इन टू मार्केटिंग एंड सेल्स. टिपिकली आवर प्रोडक्ट इज एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ये B2B प्रोडक्ट ज़्यादा है, B2C हम इंडिया में करते हैं, हम लोग कस्टमर को डायरेक्ट बेचते हैं, लेकिन इंटरनेशनली इसको कस्टमर को बेचना पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज देर इज अ सर्विस एंड सपोर्ट एंड ट्रेनिंग आस्पेक्ट इन्वॉल्व ईच एंड एवरी टाइम. तो डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढना ये बहुत बड़ा चैलेंज है. वन ऑफ द एज ओल्ड टेक्निक जो मालूम है वो है एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करो, और एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करके देखो कि आप कौन इंटरेस्टेड है आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए. पर इसका मेजर ड्रॉबैक ये है कि एग्जीबिशन में, एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना, एक छोटा सा 9 स्क्वायर मीटर का भी स्टॉल लेना है तो कम से कम 10 लाख तो घुस ही जाता है, और ऐसे आपको अगर 50 देशों में एक्सपांड करना है तो वो आप इतना पैसा सिर्फ स्टॉल में इन्वेस्ट नहीं कर सकते. वो भी हमने करके देखा, 3 कंट्रीज में हमने ऐसे ही एग्जीबिशंस किए, बट रिजल्ट्स वर एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटिंग, और यू नो रिजल्ट्स वर जीरो. यू नो इंटरेस्ट तो बहुत लोगों ने दिखाया, लेकिन उसको जो मटेरियलाइज होना, यू नो एंड डीलर में कन्वर्ट होना, ये आस्पेक्ट आज के डेट तक नहीं हुआ है इन स्पाइट ऑफ वी पार्टिसिपेटिंग इन 3 एग्जीबिशंस. तो ध्यान में आ गया कि ये यू नो प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है. सो लास्ट 4 मंथ्स वी हैव बीन टेस्टिंग 2 रूट्स, वन इज लिंक्डइन और अनदर इज फेसबुक. हम यू नो व्हाट वी थॉट ऑफ इज वी नाउ हैव अ टीम ऑफ 2 पीपल जो हम लोगों ने सिर्फ इसी काम के लिए रखा है, और हम फेसबुक और लिंक्डइन को यूज करके वी आर ट्राइंग टू हंट फॉर डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स. इन द लास्ट 4 मंथ्स वी हैव बीन सक्सेसफुल इन अपॉइंटिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स इन अराउंड 6 मोर कंट्रीज. वन इज साउथ कोरिया, अनादर इज एस्टोनिया, थर्ड इज रशिया, फोर्थ इज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन मैक्सिको, ब्राजील, एंड द सिक्स्थ वन इज ongoing process in UAE में ऑलरेडी हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर था पर वो कुछ काम नहीं कर रहा था, बट वी आर अपॉइंटिंग इन UAE. UK का भी काम चालू है, काफ़ी पोलैंड के भी काफ़ी इंक्वायरीज आ चुके हैं, एंड ऑल दिस हैज बीन थ्रू लिंक्डइन एंड फेसबुक, एंड स्पेंडिंग अ फ्रैक्शन ऑफ द मनी दैट वी हैव स्पेंट टिल नाउ ऑन पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल एग्जीबिशंस. तो ये एक रूट हम यू नो यूजिंग द टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं कि कैसे हमें फायदा हो जाए. 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स इन 4 मंथ्स इज अ वेरी गुड सक्सेस रेट इन अ वे, बट अभी फिर भी बहुत काम बाकी है. वंडरफुल, थैंक यू. इनफैक्ट मैंने पूछने से पहले आपने हमको ये जो इंटरनेशनल वाटर्स का जो प्रेशर है उसके बारे में एक्सप्लेन किया, बिकॉज सम ऑफ अस, हम लोग में से कुछ लोग नेशनल ऑपरेट करते होंगे, बट आप इंटरनेशनल वाटर्स में काम करते हैं तो प्रेशर होता ही है. तो थैंक यू फॉर आंसरिंग दैट. मैं आपको और एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप एक्चुअली स्मार्ट से जुड़ गए एंड देन यू केम इनटू एंटरप्रेन्योर गुरुकुल, बट वो खत्म होने से पहले जैसे आप एडवांस गुरुकुल में गए, ये क्या चक्कर है? 2 चक्कर है. पहला चीज है कि वो लक्ष्मी जी ने बता दिया कि संतोष सर लेने वाला है तो जाना ही था. सेकेंड आस्पेक्ट इज एंटरप्रेन्योर गुरुकुल करते करते ध्यान में आ गया कि हम तो कर रहे हैं लेकिन सारे टीम को सिखाना, ये इसमें भी बहुत टाइम जाता है. सेकंड एस्पेक्ट इज हम यू नो जितना संतोष सर अच्छा सिखाते हैं उतना हम नहीं सिखा पाए, एटलीस्ट मैं तो नहीं सिखा पाता. तो इट वाज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी. तो इनफैक्ट एंटरप्रेन्योर गुरुकुल करते करते ही ध्यान में आ गया था कि यार ये सारा मैं सीख के, हाँ ठीक है मेरा एटीट्यूड चेंज होना ज़रूरी है, पर काफ़ी सारी चीज़ें ये टीम को आना बहुत ज़रूरी है. टीम को अगर नहीं आ रही है चीज़ें
तो फिर मैं कैसे फ्री बनूंगा, मैं कैसे इस धंधे से बाहर आऊंगा ताकि मैं दूसरी चार चीजें कर सकूं। जो संतोष सर बताते हैं कि एंटरप्रेन्योर टू एंटरप्रेन्योर, ये जो एंटायर सारे काम जो आज मैं खुद कर रहा हूं उससे जो बाहर आना है, तो ये पॉसिबल होगा अगर टीम सारी हो, यू नो अलाइन हो जाए, नॉट जस्ट विद द विजन बट यू नो अलाइनिंग द टीम इज वन एस्पेक्ट एंड सेकेंड एस्पेक्ट इज इम्प्रूविंग देयर स्टैंडर्ड। तो दैट इज वेयर वी थॉट ऑफ गोइंग इन विद द एडवांस गुरुकुल विद फोर ऑफ अवर कोर मेंबर्स। और हम लोग अभी पहली बैच हमारी हुई है एंड तो ऑलरेडी मेरे ऊपर उनका प्रेशर अभी बढ़ गया है, तो ऑलरेडी कब मीटिंग्स लेने हैं उसके सारे शेड्यूल्स मुझे मेरी ही टीम ने ऑलरेडी दे दिया है कि सर आपको ये डेट पे अवेलेबल होना है ताकि हमें ये सारी चीज़ें करनी है। मीटिंग का काम हमें यू नो सो अवर फर्स्ट मीटिंग इज गोइंग टू बी ऑन मंडे, जहाँ पर 3 बजे के बाद हम लोग रूम बंद करके बैठेंगे मीटिंग के 29 क्वेश्चंस जो बताए हैं, प्लस वी ऑल्सो नाउ हैव अराउंड अनदर 35 to 40 क्वेश्चंस अदर देन द 29 क्वेश्चंस व्हिच वी आर गोइंग टू आस्क। वो 29 क्वेश्चंस ने हमें यू नो इट मेड अस थिंक ऑफ अनदर क्वेश्चन जो हम लोगों ने आज तक अभी खुद को पूछे नहीं है, तो अभी इसके आंसर्स तो हमने भी लिखे हैं, सारे लोगों ने लिखे हैं, तो अभी हम लोग मंडे को ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर से मीटिंग प्रोसेस आगे डिसाइड करेंगे एंड इट्स यू नो the best thing is to see the team fired up. Wonderful. It adds to your strength. So जैसे आप चेतन भाई ने भी कहा और आई एम श्योर कई लोग यहाँ पे जो एडवांस ग्रुप कर चुके हैं वो वाउच करेंगे। इनफैक्ट टाइगर संतोष नायर का सिर्फ एक ही सेशन हुआ है, तो अभी भी अगर आपके पास वो बोलता ना मन बनता है तो 16 और 17 जुलाई को आप अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं, बिकॉज ही इज डूइंग अ टॉप अप बैच फॉर एडवांस गुरुकुल। राइट, वी हैव अ ब्यूटिफुल लेडी हियर सिंधु सिटिंग हियर एंड शी इज टॉकिंग फ्रॉम द सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू, ऑफकोर्स शी इज द co-founder ऑफ अ स्मार्ट। तो सिंधु जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब हमने ये टेक्नोलॉजी की बात की, हमने इनोवेशन की बात की, वो राइट ऑपरेटिंग सिस्टम्स की हम लोग बात कर रहे हैं, वेन यू लुक एट अ सर्विस से डोमेन हाउ डू यू सी द लैंडस्केप चेंजिंग, एंड साथ ही साथ हमारे कस्टमर्स टू होम वी कैटर क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, घट गई हैं, दे हैव बिकम डिफरेंट काइंड ऑफ अ ब्रीड, व्हाट इज हैपनिंग इन द सर्विस डोमेन? See, in the last 19 years, we've seen the entire genre of customers changing. Not because we moved from corporate to SME, but because the general consciousness levels of individuals have changed. Maybe because it is the technology world, they are getting everything at the snap of a button. They are getting information flow ka itna overdose hota hai ki logo ka expectation hamare se bahut jaldi badh jati hai. And we gradually have started getting pushed and feeling challenged. So we've moved programs internally, we've sat brainstormed. Apna industry aisa hai that it is very person-centric and knowledge-centric. So for us the challenge is to churn out people, train them and to bring them you know, in front of the customer. So wo customer readiness तक लाने को हम लोग को टाइम लगता है, वन। सेकेंडली टू केटर टू डिफरेंट कस्टमर्स, डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस, दैट क्रिएट्स अनदर प्रॉब्लम फॉर अस। सो वीव चेंज्ड, इफ मेनी पीपल हैव नोटिस्ड, वीव इवन चेंज्ड आवर ब्रांड प्रॉमिस, वी हैव मेड इट स्टैंडर्डाइजेशन, वी हैव पुट कस्टमाइजेशन, वी हैव पुट पर्सनलाइजेशन, एंड देन वी हैव स्टार्टेड प्रोग्राम्स इन सच अ वे वेयर वी हैव सर्टन प्रोग्राम्स विच आर वेरी स्टैंडर्ड, you will not get anything beyond the sessions that are there for jo aapke liye hai wo aapke liye bhi rahenge, but what we have changed is, and that's a game changer for smart in an industry which is training, where we have reviews which are more personal, where we have the reviewer who is trained. Now we have even dwelling on a concept where the reviewers will keep changing session by session, and we will have expert reviewers coming to you for probably that session because he's an expert on that, and then we will try. And so for us also it's a very dynamic, there's nothing very static even in a service industry like ours which is so knowledge centric. Wo hum logo ko pull karta hai har ek din, hamare liye naya hota hai because suddenly we will find somebody like he said, he's an international वाटर्स, तो हम लोग को फिर वो स्टडी करना, लोगों को प्रिपेयर करना, हमारे रिव्यूअर्स के लिए
वो इंटरनल प्रिपरेशन, क्लियरेंस टेस्ट, उनको और उनका रोल प्लेस लेना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट पड़ता है. द स्पीड ऑफ एक्सपेक्टेशन हैज़ गॉन अप लाइक एनीथिंग. मतलब लोग जो पहले वेट करते थे रिव्यूअर के लिए, उनको अभी वेट करने की वो इच्छा नहीं होती है. लाइक ही सेड, यू नो, वी हैड द 29 क्वेश्चंस एंड इंटरनली यू ऑल ब्रेनस्टॉर्म्ड एंड यू ऑल क्रिएटेड, यू नो, अनदर 35. यू ऑल आर नॉट वेटिंग फॉर द रिव्यूअर और द वैल्यू एनहेंसर टू कम टू यू फॉर, यू नो, यू टू स्टार्ट वर्किंग. वी ऑल्सो नो कि हम आपके लेवल तक पहुँचने तक ना लोग ऑलरेडी एक हद तक प्रिपेयर करके वेट कर रहे हैं. दे आर ऑल आर्म्ड अप एंड रिव्यूअर या वैल्यू एनहेंसर को, यू नो, पूरा. बट आई वुड लाइक टू इंटरप्ट यू ओवर हियर. ये एडवांस गुरुकुल में हो रहा है, एंटरप्रेन्योर गुरुकुल में ना, सच्ची बताऊं, वो कृपी जब आती है ना, तो अच्छा ये कृपी आने वाली है, तो कुछ तैयारी करनी है. इस हद तक हालत थी. सो दैट्स व्हाट आई सेड. एंड दैट चेंज इन थिंकिंग एंड द चेंज इन द प्रिपरेशन इवन एट आवर एंड हैज ड्रास्टिकली चेंज्ड. द स्पीड हैज इंक्रीज्ड. द कॉन्शियसनेस लेवल्स ऑफ customers have gone up very high. And for us to cater, I also think it is maybe because in every sector and women ka role hai which has changed. The domestic and international service standards and service levels have changed. So maybe because of that, that's coming. That's a challenge for us. But I think we are loving the challenge. Great. मतलब ऐसे कह सकते हैं कि customers हमसे proaction expect करते हैं, fast speed expect करते हैं. जो उनको सूझता नहीं उससे जल्दी हमको सूझे और उनको बताए, शायद ये वो एक्सपेक्ट करते हैं. या एंड आई थिंक व्हाट वी हैव वेरी वाइजली, यू नो, व्हाट संतोष हैज आल्सो डन इज दैट अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द कस्टमर, यू नो, वी हैव क्रिएटेड अ वर्टिकल विच इज द एंटरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन वर्टिकल विच इज गोइंग टू बी लुकिंग एट हाउ दैट इंडिविजुअल कनेक्ट ऑफ बीइंग एट द प्रिमाइस ऑफ द कस्टमर एंड एक्चुअली मूविंग थिंग्स and helping them to move things, not moving things for him of course, but at least facilitating that entire process and being there far more intensely than what we do in our other programs and which hamare paas pehle nahi tha lekin hum abhi kar rahe. Wonderful, thanks. Main aur do sawal puchunga, uska main quick reactions aapse chahunga and then we'll go on to the audience. Pehla sawal ye hai ki ye sab jab hum log karte hain organizations mein तो क्या आपको 100% सपोर्ट मिलता है? आई एम श्योर देयर कुड बी ब्लैक शीप्स. कई लोग ये चाहते हो कि ये ना हो या वो रेजिस्ट करते हो, तो ऐसा होता है? और ऐसा होता है दीवान में, तो आप कैसे डील करते हैं और स्टैम्पिट में आप कैसे डील करते हैं? एंड योर रिएक्शन देन. संकेत, एनी टेक्नोलॉजिकल चेंज हैज़ अ रिएक्शन, बट जैसे सर ने कहा कि गिव एंड टेक का पॉलिसी रखो, तो हमेशा व्हेन यू गिव समथिंग यू हैव टू टेक बैक ऑल्सो, बट गिविंग इज फर्स्ट. तो अगर कुछ भी नया दे रहे हो तो यू कैन टेक, यू कैन आस्क देम टू गिव. तो वो पॉलिसी से हम लोग ने ये ओवरकम किया. एनी टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट दैट वी हैव डन इन आवर कंपनी, वी हैव ऑलवेज गिवन फर्स्ट एंड देन आस्क देम टू डू द ड्यूटी. मतलब यू वर्कड अराउंड देयर बेनिफिट. यस, उनका बेनिफिट के अराउंड अपने कंपनी का बेनिफिट को आपने स्टेज किया. गुड, थैंक यू. कौशिक, इन अ ओल्डर कंपनी ये एस्पेक्ट होता ही है कि कई लोगों के माइंडसेट ऐसा होता है कि हमें चेंज नहीं करना है, दे आर टू मच इन द कंफर्ट जोन. So the policy that we have been using is continuous pestering, continuous unko batate rehna ki ye hame kyun karna hai, and of course the, you know, core purpose or core, you know, vision launch, you know, vision launch. Did that vision launch help you? So vision launch ke baad kafi had tak ye sari cheeze change ho rahi hai, because people want to grow. Kitna bhi, you know, logon ko apne aane wale paychecks increase hona kabhi bhi acha ho lagta hai. So, you know, clearly transparent रहना कि भैया यार, we don't have an option other than growing. हम stagnant, you know, मुझे भी लगता है अच्छा कि, you know, वही paycheck आते रहे, मुझे ऐसे ही चलता रहे, कोई problem नहीं है. लेकिन सबको paychecks तो बढ़ाने हैं हर साल, कम से कम 15-12% increment कुछ ना कुछ मांगते ही है लोग. तो वो अगर देना है तो हमें हमारा turnover बढ़ाना ही है. और अगर ये चीज करना है तो एक beyond a certain point we have to change the way we think. Unless we change that thinking, ये नहीं होगा. तो इसी चीज को कंटिन्यूअसली बम्बार्ड करते रहना, हर इंटरेक्शन में बम्बार्ड करते रहना, दैट हैज बीन माय पॉलिसी. एंड वी हैव नॉट सीन एनीबडी लीविंग द कंपनी. इनफैक्ट पीपल आर वेरी एंथुजियास्टिक, पीपल आर वेरी एनर्जेटिक नाउ टू ग्रो द कंपनी टू व्हाट दे वुड इमेजिन एंड एवरीबडी वुड इमेजिन.
So yeah, you know, like that has been working for me. Good. And I also believe that with the 19 techniques. Yeah, MTR techniques. Because yeah. He said, he kept saying, I keep on pestering. अभी अपना प्रॉब्लम क्या होता है, अपना एक पेस्टरिंग का अपना एक दो चार तरीका है, अपन उसको ही वापर रहे हैं। एक जमाने में वो पेस्टरिंग चला होगा, एंड आफ्टर सम टाइम दैट इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेटजी ऑफ पेस्टरिंग डजंट वर्क, एंड दैट इज व्हाई वी हैव गिवन देम दैट 19 जो टेक्निक्स, और उसको अलग अलग टाइम पे, अलग अलग आदमी पे, अलग अलग मूड के हिसाब से, कभी ग्रेजुअल हीटिंग करना है तो जस्ट कमांड करना है, क्योंकि कई बार धंधे वाले का एक ही प्रॉब्लम है कि वो जस्ट कमांड में ही बिलीव करता, वो जो जस्ट कमांड जो है ना, जस्ट ऑर्डर, वो उसी को बस, हाँ, तो वो ही करता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, उससे उसको एक पीरियड के बाद उसको रिटर्न्स नहीं मिलता, तो वो और पुश करता, तो और रेजिस्टेंस आता है, बट ही डज नॉट नो अभी अगला 4, 8, 10, 12, 14, 16, 19 और क्या चीज कर सकता है जिससे कि लोगों में वो प्रभाव डाल के उनमें वो परिवर्तन हम ला सके। I think in what I, and Santosh has answered this when he was talking in earlier also, the internal entrepreneur scheme that we've launched, because for us people, we've been churning out people. I think we've made around almost close to 200 entrepreneurs in the last 19 years, and humko wo baat ki koi gham nahi hai, because I think wherever they are today, they have grown far, yeah, they have really flourished, and they have always sincerely, you know, thanked Smart for the training that we've provided them, and that's good, that's really beautiful. Now the challenge is to make our competitors also our you know, our clients. To make the competitors our clients, so then that keeps you in the race of, you know, having people more collaborative rather than even being competitive. So that I think works. The other thing is, lot of things that we have internally at Smart also created is, we had the annual conference recently, and we've launched two models, which is the Smart the STEAM implementation model and the Harmony model. Now both of them are centric to employees as well as to customers. So internally we have a very strong desire to make the customer successful, and thereby then the growth of the customer, definitely growth of the organization, and the growth of the employee will take place. So we have a team of people nominated who is driving this internally. We have regular meetings with all the people, all the key people, and we are mapping the progress of them, trying to understand how we can implement this internally. And of course, once we do it internally, you know, it will come in some forum outside for our entrepreneurs to then learn from us. Having your customers, you know, I mean competitors as your customers, it's a disruptive idea. Right. Wonderful. Last question, puchne se pehle main aapke paas aata hun. Yes, friends, aapke man mein ya aapke dimag mein koi sawal hai jo ab tak agar panpa hai, to I can surely, you know, send a Tiwari to you. Yes. The gentleman on the right here. See, the panel is so effective. So damn effective. Give them a big round of applause. Yeah? Yeah? There's no question whatsoever. But I have the last question. Yeah. Chalte chalte, thank you for all the inputs. Chalte chalte, aap hum SMEs ko, entrepreneur bhai aur behno ko, apni do ya ek tipni kya dena chahenge? It's subject ko lekar. The future is very dynamic. Humko technology, humko innovation, humko right systems and processes rakhna hai. तो आपके एक्सपीरियंस से आप क्या वो एक या दो टिप्स देना चाहेंगे हम सबको यहाँ पे? संकेत से शुरू करते हैं। दिस वॉज नॉट अ स्क्रिप्टेड क्वेश्चन, सो यू कैन अंडरस्टैंड बाय द लुक्स। टेक्नोलॉजी तो आने ही वाली है, डिसरप्शन आ ही गया है। इफ यू आर प्रिपेयर्ड और इफ यू आर नॉट इवन प्रिपेयर्ड, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, बिकॉज यू विल बी वॉश्ड आउट इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। योर एम्प्लॉइज आर हाईटेक, यू हैव टू गिव देम टूल्स टू कोप अप विद द टेक्नोलॉजी and upscale your revenue, because they will be asking for paychecks increase. So you have to increase your turnover. To increase, you have to use technology as an enabler to jump up to your scale up. And increase your turnover and increase your profitability. In fact, you know, turnovers to fir bhi badhta hai. You'd be very, very profitable. Great, thank you. Kaushik bhai.
Another aspect of technology, which is the way it which is growing, is artificial intelligence. ये artificial intelligence सबके life में बहुत 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 मायने रखने वाला है. आप घर घर के भी काम जो कर रहे हो वो काम आप करना भूल जाओगे. इस तरीके से artificial intelligence अगले 4 से 5 साल में आएगा. वो जब artificial intelligence आएगा ना, तो सबके धंधे किस तरह से चेंज होंगे ये बताना बहुत मुश्किल है. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी कीप आवर सेंसेस ओपन टू द वे द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग इन द नेक्स्ट 3, 4, 5 years, बिकॉज दिस इज गोइंग टू डिस्टर्ब अ लॉट ऑफ वेज द वट एवर वे वी आर करेंटली डूइंग मेनी थिंग्स, नॉट जस्ट इन आवर बिजनेस, इन आवर लाइफ स्टाइल, एवरीथिंग. क्या कहें, इनफैक्ट आपके नेविगेशन में दैट मोबाइल फोन शोज यू द स्पीड ऑफ योर कार. व्हाट द हेल, कौन देख रहा है ये? इज समबडी स्पाइंग यू? इट टेल्स यू इट्स 6 किलोमीटर पर आवर, इट टेल्स यू इट्स 60 किलोमीटर पर आवर, इट टेल्स यू इट 130 किलोमीटर पर आवर. कौन देख रहा है सब? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओटीओ, आई फील लाइक वी हैव कस्टमर्स and we have employees. These are the two main things that we have to take care of. And yes, like he said, technology is coming in a big way. Smart has not been very pro technology, and that's going to be a disruptor, because we will have to get the customers to accept the fact that now training programs can be just online, and you can be, you know, getting up in the morning at 4 o'clock or 5 o'clock, jo bhi aapko time diya jayega, you'll have to be there in front of the screen or, you know, in a forum and just be receiving the programs that we are conducting. So that's going to be the change, that's the mindset change that we will have to bring in people, that bhai dekho aapko ye accept karna hai. We have started gradually with reviews, you know, ki reviews aapka Skype mein hoga, ya we will have another technology that's coming in. That acceptability ko lana humko time lag raha hai. So maybe we'll have to bring technology and facilitate and take care of the customers, while also ensuring that we retain talented people. I won't say everybody, but yeah, people who are really growth oriented and are really wanting to build relationship for lives, not with Smart but also with the customers. Great, wonderful. In fact, agar samak karein, to Kaushik bhai ne ek bahut important word, shabd bataya, wo aap jante hain, that is artificial intelligence, right? AI. Ab मैं इस पूरे पैनल का जो डिस्कशन को एंड इस बात से करना चाहूँगा, जहाँ पे गौरव ने एक स्टेटमेंट किया था. ही सेड दैट यू नो इंटेलिजेंट पीपल नो एंड वाइज पीपल डू. एक्चुअली हम सब लेट हो गए, वी आर ऑलरेडी लेट, राइट? सो यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू एक्चुअली टेक द बेनिफिट. क्या आपको डेटा रेवोल्यूशन का बेनिफिट लेकर धंधे को एक्सपोनेंशियली बढ़ाना है, या फिर उस पूरे बगडोर को किसी रिलायंस या किसी इन्फोसिस या किसी विप्रो को देना है. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, होप दिस पैनल हेल्प यू. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पैनलिस्ट फॉर पेशेंटली गिविंग हिज आंसर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.